अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त राउंड रॉक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आ रहा हूँ और यहाँ पर ईद उल अज़हा की नमाज इस वक्त होने वाली है। हम सब जो है वो यहाँ पर नमाज के लिए आ रहे हैं सारे लोग। यहाँ पर सबसे बड़ा इज्तिमा होता है। मैं फरीदी आपसे और आज के लिए राउंड रॉक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ। यहाँ पर ईद उल अज़हा की नमाज अदा की जा रही है। Parker said, if Peter decides to help his Aunt May out as Spider-Man and as she raises funds for a local charity, things start to get heated and the audience start asking questions about Tony Stark. Overwhelmed, he swings away from the pressure. Leaders sometimes need to take time to clear their heads. And even going on a vacation every now and then helps gives you a better perspective on how to solve an issue. It also helps you. अभी ईद की नमाज हो चुकी है और लोग
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से बाहर जा रहे हैं और मैं यहाँ दरवाजे पर ही खड़ा हूँ। तो अभी हम जो है वो लोगों से कुछ गुफ्तगु करते हैं, इंशाल्लाह आपको सुनवाते हैं। पैगाम ये है कि दोस्त रहे अपने हमसाया मुल्कों से, स्पेशल अफगानिस्तान से। लोग हम मुसलमान हैं, हम दो ब्रादर मुल्क हैं, तो हमें चाहिए कि दोस्ती और बरादरी में जो अल्लाह ताला ने कहा उस तरह रहे। जज़ाक शुक्रिया। क्या पैगाम देना चाहेंगे इसी के मौके पर? अस्सलामु अलैकुम तमाम पाकिस्तानियों और देखने वालों को ईद की खुशियां मुबारक, कुर्बानी मुबारक और ईद की तमाम खुशियां मुबारक। और ख़ास कर पख्तनों ग्रानो कदरमनों तासुत अख्तर मुबारक शाह, कुर्बानी मुबारक शाह, चाचे हज कड़े दे हज वर्त मुबारक शाह और दख्तर डे डेर मुबारक ही फदे पामा। You can talk in French. Okay. What do you want him to say? Any message on the Eid al-Adha for the mankind and Muslim Ummah? Qu'est-ce que tu as un message pour la fête aujourd'hui? À tous les musulmans. Je souhaite bonne fête à tous les musulmans. Je souhaite que le bonheur qu'on a entamé continue. Je souhaite qu'on arrête le terrorisme. Que le monde vive en paix. Je vous remercie. Shukriya. Thank you. मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि आप आज का दिन ईद का कैसे गुजारेंगे और पाकिस्तानियों के लिए जो पैगाम हो तो वो दे दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ आपके हम सब पाकिस्तानियों के लिए कुछ कह सकूं। हम तो बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, मेरे भाई और उनकी फैमिली कनाडा से आए हैं तो उनके साथ गुजारेंगे, कहीं बाहर भी जाएंगे घूमने फिरने के लिए और बहुत अच्छा लग रहा है। जितना बड़ा मजमा ये आज देख रहा हूँ उससे पहले कभी इतना बड़ा मजमा मैंने देखा नहीं है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे और ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ और हम सब के साथ ईद मनाएँ, बाहर के लोग भी आएँ। और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको हमारे आपस में मोहब्बत, इत्तेफाक़, इत्तेहाद अता फरमाए और जितने मुसलमान जिन जहाँ पे भी दुनिया में परेशान हाल है सबके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला सब की परेशानियाँ दूर करे, सबके हालात आसान करे, खुसूसन कश्मीर और फ़लस्तीन के मामलात में। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम। आई बताइए, ईद मुबारक। First of all, I'm happy to be alive. Anyone who's living, I mean, should be thankful to Allah Pak that we are living. And each day of life is a blessing, inshallah. So we should enjoy and do good for others. And so I'm going to enjoy saying Allahu karama that we are living ani jeko aso hayati aahe to inshallah enjoy kandasi family sang gad ha urdu mein bas ye Allah pak ka ehsaan hai ki hum log zinda hain aur inshallah I will in paigham mujhe pakistani ko mujhe laaye pakistani ko mujhe laaye panjan laaye thi panjan laaye hite america mein chha kande sage ji ye ye main laaye ईद तो सही पंजन में ही थी आ पंज मुल्क में थी इतने मणि आया रोजी कर रोजी कर दोस्त यार सभी के ईद मुबारकू खुश रहो प्यार मोहब्बत से रहो खुश रहो बस जी। अस्सलाम वालेकुम। डेफिनेटली बहुत बहुत मुबारक हो सब इस्लामिक तो पूरी ग्लोबल वर्ल्ड को जहाँ जहाँ ईद मनाई जा रही है सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। यहाँ की ईद यकीनन डिफरेंट है, वो मज़ा जो पाकिस्तान सब हर तरफ जानवर ही जानवर होते हैं, जो मज़ा पाकिस्तान में होता है जो इस्लामिक वर्ल्ड में होता है वो मज़ा तो यकीनन यहाँ पे नहीं है। बच्चे सारे मिस करते हैं पाकिस्तान को, लेकिन यहाँ का थोड़ा सा डिफरेंट एनवायरनमेंट है। यहाँ ग्लोबल है, दुनिया हर तरफ से लोग आए होते हैं, पूरी दुनिया जहाँ से लोग आए होते हैं तो उनके साथ एक जो मुस्लिम की फीलिंग होती है वो यकीनन थोड़ी सी डिफरेंट है जो पाकिस्तान में होती है। यकीनन मैं सारे इस्लामिक मुवालिक के लोगों को ईद मुबारक, स्पेशल पाकिस्तान के लोगों को ईद मुबारक कहूँगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आई हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? टुडे इज द ईद।
how are you going to celebrate your Eid day? Well, we always go get like a late breakfast. So we're going to get late breakfast, and then I don't know what else we're going to have to do. We're going to probably watch a movie. Not much else besides that. Assalamualaikum. Waalaikum assalam. Today is the Eid day, and I would like to know that how you going to celebrate. Well, we have some plans for today with the family, and we are meeting with the friends at our community center. So after that, we'll be, most of the time we'll spend with the family, our black. How about you? You're enjoying it? Sacrifice today, or? Well, yes, we have a plan for that as well. Not here, of course, it's in Pakistan with our family. My mom, dad, they are doing over there, so we'll be participating over there. Thank you very much. You're welcome. Ah, bhai, Allah Pakistan ki khair kare. Sabko mubarak ho. Aur humko duaon mein yaad rakhna. Aur Pakistan ke liye achha sochna.